थर्ड फ्लाइट ऑफ दिस सीज़न। आज एक दफ़ा फिर हम स्कर्दू से वापस आने फुल इस्लामाबाद। प्लेन जो है हमारा दैट इज़ रेडी एंड अभी पुश बैक शुरू होना है, बस बोर्डिंग जो है दैट इज़ अबाउट टू बी कम्प्लीटेड। वहाँ पे वो सामने आपको दो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है इन केस ऑफ एमरजेंसी, और अभी जो बस वी आर रेडी टू पुश बैक। We are on the runway and taxiing towards the takeoff point. Cabin crew, take your seats for takeoff. Cabin crew, take your seats for takeoff, please. So we are at number 3 and we are going towards the takeoff point. Takeoff जो है वो हमेशा की तरह पहले भी जितनी एयरपोर्ट की फ्लाइट्स आई हैं, PIA mostly आता है, उनका टेक ऑफ जो है वो स्कर्दू सिटी की जानेब होता है और इसका भी स्कर्दू सिटी की जानेब ही होगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कचूरा एंड फ्रॉम कचूरा साइड वी विल टेक ऑफ टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी। टेक ऑफ के ऊपर से आता है, लेकिन इसने किडनी को भी साइड पे छोड़ा और ये बहुत जो है उस साइड पे, ये नीचे आपको इंडस नज़र आ रहा है उस साइड पे। इस वक्त हम जगलोट के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, ये नीचे जगलोट है मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट, और जगलोट से हो गए फिर आगे हम टूवर्ड्स चिलास जा रहे हैं। ये जगलोट से आगे जो छोटे छोटे गाँव हैं ऊपर पहाड़ों में वो जाके नज़र आ रहे हैं। ऊपर एक वैली है बड़ी खूबसूरत, ऊपर जाके आती है पहाड़ के दरमियान, उसके बाद पहुँचे अभी यहाँ से हम चिलास जाएंगे। मेरे एग्जैक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर इस वक्त जो है वो नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन नांगा पर्वत जो एग्जैक्ट मेरी लेफ्ट पे है। आपने अगर देखना है तो मेरी फ़्लाइट व्लॉग्स उसी वाली जो है वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं नांगा पर्वत को। लेकिन फ़िलहाल जो है आप इसी साइड पर राइट साइड को देखेंगे, मोस्टली जो मेरी वीडियोज़ उसमें मैं नांगा पर्वत वाली साइड पर बैठा होता हूँ, लेकिन इसमें मैं नांगा पर्वत वाली साइड पर नहीं हूँ, इसमें मैं राइट साइड पर बैठा हूँ टूरिस्ट चिल्ला साइड। तो आज आपको ये वाली साइड दिखा रहे हैं। हमारा मील बॉक्स तो आ गया है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा इस तरह आपको खाते हुए देखा है आपने कभी? ये देखे तबाहियाँ फेर दी हैं इसको, इसको इसका नाम पूछ ले, इसका नाम क्या वो नहीं पता, लेकिन सत्यानाश फेरा हुआ इसने। रोटी को तो अल्लाह माफ़ करे, स्नेहा दे छोड़ता है ये बंदा। ठीक है, तो भाईजान इसमें क्या क्या है आपका वो हिसाब है, जैसे वो टिकटॉक पे कहते हैं ना कि मैंने अपने घरों जदों भी खाया हराम ही खाया। ठीक है,
भाई साहब ने भी जब से घर कभी खाया है ना, घर में तो आराम ही खाया है, पल्ले ही खाता है लोगों ने, नाश्ता कहीं फ्री है, लंच कहीं फ्री है, रात को फिर मोहसिन। तो भाई जान ये जो हमारा मील बॉक्स है इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये चिकन टिक्का क्रोसेंट है, क्रोसेंट है विथ नाना केक, एंड दिस वन इज़ हैप्पी फॉर्म्स, ये जूस है एप्पल जूस, नेक्टर है नॉट जूस, इसमें मैं पढ़ के बता दूँगा कितना जूस है और कितना पल्प है इसमें, वो इन्होंने कोई नहीं लिखा हुआ, नहीं इसमें किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि इसमें परसेंटेज क्या है इंग्रेडिएंट्स की। एप्पल जूस 50%, अच्छा 50% जूस है, ठीक है, तो ये एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर उम्मीद तो है नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आ गई 2023 तक है, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश है, बैच नंबर के ऊपर है, और ये शेज़वान का कैचअप है विद दिस वन, कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट एवरेज स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, और हाँ वो साथ पानी भी है, ये पानी जो है ये हर एक को बॉटल उन्होंने साथ दी है, हम क्योंकि आगे बिजनेस क्लास में बैठे हुए तो बिजनेस क्लास में लेग स्पेस ज़्यादा होती है, देखें हर बंदा जो है ना अपनी लेग स्पेस के हिसाब से खा रहा है, ये भाई साहब जो है ये आधा आधा क्रॉसेंट तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, और ये भाई साहब जो है ये अंधा दोन तरीके से खा रहे हैं, सो हम भी ट्राई करते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या बनता है, खोलते हैं इसको और खोल के फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है जी, काफ़ी रैपिंग तो खैर अच्छी की हुई है इन्होंने, ठीक है, हाँ यस ये खुल गया, मेरे ख्याल में इधर से देर हो जानी, आप यहाँ से देख ले, ये भाई साहब जिस तरह से खा रहे ना आप वहाँ से देखे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह वी विल शॉर्टली बी लैंडिंग, प्लीज इंश्योर दैट योर हैंड बैगेज इज स्टोर्ड इन द हैंड रैक्स और अंडर द सीट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज ब्रिंग योर सीट बैक टू एन अपराइट पोजिशन, क्लोज योर मील टेबल एंड फास्टन योर सीट बेल्ट, कीप द विंडो शटर्स ओपन फॉर लैंडिंग, प्लीज चेक द इमरजेंसी एग्जिट्स व्हिच मे बी बिहाइंड यू। नीचे से तो बिल्कुल कख नज़र नहीं आ रहा, और लैंडिंग अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कि हम लैंड करने वाले हैं, तो अभी बादलों के पास अंदर से एक झटका में और लगेगा बड़े वाला, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जहाज़ है वो अपनी पोजीशन स्टेबल करेगा और हम अप्रोच बनाएंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल में, तकरीबन यहाँ से इस वक्त पर जहाज़ वहाँ से भी लेट चला था, 10:11:23 हुए, तो मज़ीद अगले कोई 10 मिनट में जो है वो हमें लैंड करा देगा। मैं पिछली विंडो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो अगली विंडो है वहाँ से कख नज़र नहीं आता, यहाँ से तो फिर भी आपको वो पीछे कोई विंग नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल बादल ही बादल है, कोई चीज़ नहीं, वो सामने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे उससे हो गया, अभी हम अपनी अपोज सेट कर रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो सामने आपको एयरबेस नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं कासिम एयरबेस, ये कासिम रनवे है, इसके दो रनवेज हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, फंक्शनल एक ही है, ये कासिम बेस इसको बोलते हैं, ये वाला भी रनवे जो है वो कभी कभार यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, सो इट्स कॉल्ड कासिम बेस, कासिम रनवे फॉर एमरजेंसी पर्पजेज जो है इन्होंने रखा हुआ है। लैंडिंग एयर डाउन, लैंडिंग एयर को उसने बिल्कुल डाउन कर दिया, वो सामने जो है वो अकला डेर इस्माइल खान मोटरवे है, और ये यहाँ से अभी लैंड करने लगा है, टेक योर सीट्स फॉर लैंडिंग प्लीज़, यहाँ से होके हम लैंडिंग कर रहे हैं, नीचे आपको डेर इस्माइल खान अकला मोटरवे नज़र आ रहा है, यहाँ से होके लैंड करेगा जहाँ से इतना ही खूबसूरत है। सेंटीग्रेड जबकि मकामी वक्त 11:35 हो चुके हैं।
आपके रब तक की खातिर अब सबसे गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, अब अपनी निशस्तों पर ही बैठे रहे। बालाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें, वरना सामान के जेब से चोट लगने का खदशा है। जहाज से निकलते वक्त आप अपना सारा जाती सामान अपने साथ लेते जाएं। अब मैं कप्तान राशिद खान और उनके अम्मे की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इब्रो के साथ सफर का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर आरामदेह खुशगवार रहा होगा। इब्रो को अपना हम सफर मुंतखब करने पर शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।